आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के बाहर तमाम सारे ऐसे लोग रहते हैं जो भीख मांगकर या फिर छोटा मोटा काम कर अपना जीवन यापन करते हैं। लॉकडाउन के चलते इन लोगों के सामने रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। ऐसे में जहां समाज सेवी संगठन काम कर रहे हैं तो वहीं आरपीएफ और जीआरपी ने भी ऐसे लोगों को भोजन उपलब्ध करवाने में अपनी कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी है। अब आरपीएफ और जीआरपी भी भूखे लोगों को खाना खिलाकर पुण्य का काम कर रही है। गरीब लोगों को हम लोग आरपीएफ वाले अपना कंट्रीब्यूशन करके खाना उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि रेलवे एरिया में कोई आदमी भूखा न रहे। वो अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच पा रहा है लेकिन उसको भूखा हम लोग नहीं देख सकते, इसलिए हम लोग सभी स्टाफ वाले मिलजुल कर चंदा अपना करके और इनको खाना मुहैया करा रहे हैं। और ये प्रेरणा हम लोगों को हमारे मुख्य सुरक्षा आयुक्त रविंद्र वर्मा साहब और सीनियर कमांडेंट श्री प्रकाश कुमार पंडा और असिस्टेंट कमांडेंट एनएम महादेव साहब से जो प्राप्त हुई है। और ये हम लोगों के प्रयास रहे कि जब तक लॉकडाउन रहता है हम लोग ऐसे ही कंट्रीब्यूशन करके जो भी यहाँ भूखे और गरीब हैं या जो यात्री नहीं पहुँच पाए उनको खाना उपलब्ध कराते रहें। डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखा है? डिस्टेंस सबसे पहले हम लोग बिठाते हैं, फिर उनके हाथों को सैनिटाइज करते हैं सैनिटाइजर से, और डिस्टेंस भी बना के रखते हैं। और खाने में भी हम ये विशेष ध्यान रखते हैं, खाना वितरण करने वाले भी अपने आप को सैनिटाइजर से और मास्क लगाकर और ग्लोव्स पहन के ही खाना वितरण करें, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उनका पूरा ख्याल किया जाए। सर आरपीएफ की तरफ से खाना वितरण किया गया है गरीब लोगों के लिए, अगर कहीं पर लोग रहते हैं। ये कार्यक्रम हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से, जब से लॉकडाउन हुआ है, स्ट्रैंडेड जो पर्सन्स हैं जो आ रहे हैं भटके हुए, जो कि भूखे हैं, जो कि काफ़ी दिन से खाना नहीं खा रहे हैं, यहाँ आने के बाद इस गफलत में आते हैं कि गाड़ियाँ चल रही हों अपने गंतव्य तक पहुँच जाएंगे, किंतु गाड़ियाँ तो बंद हैं। उन लोगों को हम लोग सेंसिटाइज करा के हाथ धुलवा करके और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए उनको खाना प्रोवाइड करवा रहे हैं। खाना प्रोवाइड करवा करके उनको जो है सिविल में ईदगाह में बस स्टैंड की तरफ उनको रवाना करवाया जा रहा है। पिछले ये आगरा कैंट छावनी के इंस्पेक्टर के उससे हमारे जो है सीनियर डीएससी महोदय जो है पांडा साहब के और आईजी पीसीएससी रविंद्र वर्मा के निर्देशानुसार, उनके गाइडेंस के अनुसार हम लोग ये कर्तव्य कर रहे हैं और आगे भी हम लोग इस तरह से उपलक्ष्य करते रहेंगे ताकि कोई भूखा इस प्रयोजन में भूखा ना रहे। लॉकडाउन चलेगा जब तक चलता रहेगा? लॉकडाउन जब तक चलता रहेगा तब तक हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजन करने का प्रयास करते रहेंगे और करेंगे जो, ताकि जो है लोग कम से कम भूखे ना रह सके। आज के दिन में हमारे देश में पूरे संसार में ये महामारी फैली हुई है, हमारा कर्तव्य है इसमें अपना जितना सहयोग हो सके हम सहयोग दें। आरपीएफ इसके लिए हमेशा कर्तव्य तैयार है और योगदान दे रहा है, आगे भी देता रहेगा। सर अपना नाम और पद? मैं नगेंद्र महादेव यादव, असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर आगरा कैंट आगरा। देखिए जैसे ही आरपीएफ को ये पता चला कि जो दिल्ली से निकलने वाले जो मजदूर हैं, जो झांसी जाने वाले हैं, मुरैना जाने वाले हैं या फिर जो बिहार के रास्ते जाने वाले मजदूर हैं, इनके पास ये इतने लंबे रास्ते को ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं और इनके पास अपने कोई संसाधन नहीं है, सरकार अपने तरफ से लगातार कोशिश कर रही है। इसी बीच हम लोगों को भी इंस्ट्रक्शन आया कि हमें यथासंभव जो भी मदद हम कर सकते हैं वो मदद ऐसे लोगों को मुहैया कराना है। इसी को देखते हुए ऐसे लोग जो ट्रैक के सहारे चलते चलते कई लोग आ रहे हैं, उनको आरपीएफ के द्वारा स्टेशन में पूरी देखरेख के साथ सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करते हुए, उनका हेल्थ चेकअप कराते हुए, उनको यहाँ ला के खाना खिलाने के बाद फिर यहाँ से नियरेस्ट बस स्टेशन की तरफ उनको विदा किया जा रहा है ताकि वो भूखे पेट यहाँ से ना जाएं, उनका पेट भरा हुआ हो, उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी हों और उसके बाद फिर वो यहाँ से जाएं। इसी तरह से जो मेन हाईवे से जो लोग जा रहे हैं और स्टेशन की तरफ आ रहे हैं इस उम्मीद से कि उन्हें यहाँ पे खाना या ऐसी कोई व्यवस्था मिल सकती है, तो वो व्यवस्था यहाँ पे करवाने की पूरी कोशिश है हमारी तरफ से। इसी के तहत आरपीएफ आगरा डिवीज़न में आरपीएफ की तरफ से ये एक मुहिम शुरू किया गया है जिसमें हम लोग पिछले 3 दिनों से लगातार अपने बैरक में हमारे स्टाफ के द्वारा ही खाना बनवाया जा रहा है और वही खाना ऐसे भूखे लोगों को, ऐसे नीडी और पुअर जो लोग हैं इन लोगों को ये खाना हमारे तरफ से दिलवाया जा रहा है।
और आप डेडिकेशन देख सकते हैं कि हमारे इंस्पेक्टर, हमारे स्टाफ पिछले 3 दिनों से इस पे लगे हुए हैं और अपने हाथों से ही उनको पहले सैनिटाइज किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, दो दो हाथ की दूरी मेंटेन करते हुए उनको खाना प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश है इसमें।